Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Yesterday, I have given you the homework of reading of Unit 3 Cats and Mice, only the portion of cats. Now, today, your parents will take your reading test. But they will not give you the marks on the books. Okay, dear? After vacations, when I will take your reading test, then I will give you the marks on the book. Now, note down your today's homework. Today, the date is 27th April 2020, and the day is Monday. Note down your homework in the rough copies English written plus oral. Do reading of Unit 3 Cats and Mice. Mice. Only the portion of mice on book page number 12. 1 to 12. Play lecture number 8. You have to play lecture number 8 again for the proper homework dear students your today's homework is the reading of this portion these these three stanzas okay the related to the mice aap reading reading test parents okay dear now okay this last line is also included now we are moving towards our new unit Unit 6, which is also a poem. We are starting our new unit, unit number 6. It's also a comprehension. It's a poem. Dear students, as I have told you, that the prose is like walking. एंड द पोईम इज़ लाइक डांसिंग बिकॉज ऑफ म्यूजिकल टच बिकॉज ऑफ रैमिंग वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोस होता है नसर जिस तरह की हम लोगों ने स्टोरीज पढ़ी हैं फ्रॉग्स पढ़ा फ्रॉग्स का यूनिट पढ़ा है मेगल हेल्प्स आउट पढ़ा है तो ये ये क्या थे प्रोस थे लापा लाइन लर्नस टू रोर पढ़ा है वो भी प्रोस है लेकिन पोइम जिस तरह कैट्स एंड माइस पोइम है इस तरह ये चूजिंग शूज़ हमारा न्यू यूनिट है ये भी पोइम है तो जो प्रोस है इट्स लाइक वॉकिंग स्टोरीज़ वग़ैरह ऐसा है जैसे चलना आराम से बस चलना ठीक है बट पोईम इज़ लाइक डांसिंग लेकिन पोइम ऐसी है जैसे डांस करना क्योंकि पोइम को सुनकर डांस करने का दिल करता है क्योंकि इसमें म्यूजिकल टच होता है राइमिंग वर्ड्स होते हैं सेम साउंड्स निकल रही होती हैं ठीक है इसमें तो ये जस्ट लाइक पोइम्स आर जस्ट लाइक डांसिंग नाउ वी आर स्टार्टिंग ओपन पेज नंबर ट्वेंटी फाइव यूनिट नंबर सिक्स कॉम्प्रीहेंशन एंड द टाइटल ऑफ द पोइम इज Choosing shoes. Underline the word choosing. Its Urdu meaning is चुना shoes मतलब जूते जो आप पहनते हैं shoes ठीक है जूते जूते मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ हील्स होते हैं हील्स होती हैं जिसकी कोई फ्लैट होते हैं ठीक है किसी के बकल्स होते हैं किसी के स्ट्रैप्स होते हैं ठीक है तो इसमें जो पोइट है अच्छा जी डियर पोइट किसे कहते हैं पोइट मतलब पोइम का लिखने वाला अगर पोइम किसी मेल ने लिखी है तो वो पोइट होगा अगर कोई बॉय है मैन है और अगर किसी गर्ल या वुमेन ने लिखे तो वो पोइटिस होगी मैस्कुलिन पोइट फेमिनिन पोइटिस चूजिंग शूज़ जूते चुनना मंतख करना चूज़िंग शूज़ मतलब जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे शूज़ होते हैं सारे अच्छे भी होते हैं लेकिन आप उसमें से कोई एक पेयर ही चूज़ करते हैं तो इसमें उसके बारे में पॉइंट बता रहा है चूज़िंग शूज़ के जूते मंतख करना जूते लेना चुनना कि इतने सारे शूज़ में से आप कौन से शूज़ चूज़ करते हैं दिस पोइम इज ऑल अबाउट चूजिंग शूज़ नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टैंजा लुक एट द फर्स्ट एंजा केयरफुली लिसन केयरफुली न्यू शूज़ न्यू शूज़ नए जूते नए जूते न्यू मीन नए शूज़ जूते न्यू शूज़ नए जूते रेड एंड पिंक एंड ब्लू शूज़ रेड एंड पिंक एंड ब्लू शूज़ लाल या सुरख और पिंक यानी गुलाबी और नीले जूते These are the दलर्स Okay, red, pink, blue are adjectives over here. ठीक है Adjectives tells us, uh, adjectives tell us about द नाउन्स जो adjectives होते हैं वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है यहाँ पर शूज़ नाउन है और ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये शूज़ कैसे होते हैं रेड पिंक या नीले टेल मी पॉइंट आपसे पूछ रहा है टेल मी मुझे बताओ वट वुड यू चूज़ आप क्या मंतखब करेंगे आप क्या चुनेंगे मुझे बताओ कि आप क्या चुनेंगे इफ आई कुड ओनली बाय अगर मैं सिर्फ खरीद सकूँ इस स्टैंजा का मतलब है पोइट कह रहा है कि एक शॉप है सपोज करें कि एक शॉप है ठीक है एक दुकान के अंदर बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं सारे न्यू हैं क्योंकि यूज़ नहीं हुए रेड हैं, पिंक है ब्लू हैं। वो पोइट आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मेरे साथ हों ठीक है मैं शॉप में जूते ख़रीदने के लिए गया हूँ या गई हूँ और मुझे शूज़ ख़रीदने ठीक है और आप भी मेरे साथ हैं तो आप मेरे लिए कौन से जूते चुनेंगे आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि मैं कौन से शूज़ ख़रीदूँ आई कुड ऑनली बाय अगर मैं उसमें से कोई एक जोड़ा ख़रीद सकूँ एक जूते एक पेयर एक जूते का जोड़ा ख़रीदना चाहूँ तो आप मेरे लिए कौन से जूते चुनेंगे यहाँ पर पोइट एक बच्ची बना हुआ है ठीक है मतलब आप इस पिक्चर में देखें बच्चा बनकर या बच्ची बनकर वो बात कर रहा है हमसे कि बच्चे इस तरह करते हैं उनको जूते एकदम से पसंद नहीं आते बहुत नखरे होते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर वो सारे बच्चा बनकर जो है ये पोइम लिख रहा है ठीक है तो आप जहन में यही रखें आप इस पिक्चर को देखें ये बच्ची एक शॉप में आई हुई है और शूज़ ख़रीदना चाह रही है इन द सेकेंड स्टैंडा बकल शूज़ तस्मों वाले जूते आप इन शूज़ को देखें जिसमें तस्मे होते हैं डोरी होती है ठीक है बांधने वाले तस्मों वाले जूते बो शूज़ या मुड़े हुए जूते मुड़े हुए जूते मतलब ऐसे शूज़ होते हैं जिसकी नोक निकली हुई थी होती है अक्सर लड़के इस टाइप के शूज़ पहनते हैं आगे से इस तरह होते हैं ठीक है खैर इन शूज़ को भी आप बो शूज़ कह सकते हैं क्योंकि ये भी यहाँ से इस तरह मुड़े हुए हैं ठीक है लेकिन मोस्टली इनको इसको इनको हील्स कहा जाता है मुड़े हुए जूते प्रिटी प्यारे पॉइंटी पॉइंटी टो नोकदार जूते नोकदार उंगलियों वाले मतलब देखें टो तो कहते हैं टो तो, पाँव की उंगलियों को तो शू में इस वाले एरिया में टोज़ होती हैं ना आप जब पाँव रखते हैं शू के अंदर तो यहाँ पर आपकी टोज़ होती हैं पाँव की उंगलियाँ तो कहते हैं कि जूते जूते का ये वाला एरिया अगर पॉइंटी है तो उसको पॉइंटी टो शूज़ कहेंगे ठीक है कि नोकदार नोकदार मुंह वाले जूते ठीक है स्ट्रैपी स्ट्रैपी फीते वाले या पट्टी वाले कुछ शूज़ ऐसे होते हैं जिस पर पट्टी होती है ठीक है उस पर मैजिक लगी होती है जिस तरह आपके स्कूल शूज़ होते हैं ठीक है इस तरह बांधते हैं ऊपर से इस तरह देखें इसमें यहाँ पर बकल लगी हुए हैं ऊपर स्ट्रैप्स हैं तो स्ट्रैपी शूज़ स्नैपी 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 मतलब ऐसे शूज़ जो टक टक करते हैं आवाज़ें निकालते हैं जिस तरह हील जब आप चलते हैं ना तो टक 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 की आवाज़ें आती हैं ठीक है तो उसको स्नैपी कहते हैं लो शूज़ लो लो कहते हैं नीचा कम मतलब कि जिसकी हील कम हो फ्लैट टाइप के शूज़ होते हैं स्ट्रैपी स्नैपी लो शूज़ लेट्स हैव टू ट्राई चलो हम कुछ आजमाते हैं फुल फॉर्म है इसकी लेट अस चलो हम शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और ये फुल फॉर्म है ठीक है लेट्स हैव टू ट्राई चलो हम कुछ जूतों को आज़माते हैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस पोईम में जो पोइट पोइट है वो बच्चा या बच्ची बन कर ये पोइम लिख रहा है और यहाँ पर वो कह रहा है इस तरह वो बता रहा है कि वो आपके साथ या किसी अपने फ्रेंड के साथ शॉप में गया हुआ है और फिर वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे जूते हैं आपको ख़ुद भी दिख रहा है ठीक है यहाँ पर तो वो आपसे भी मशवरा ले रहा है ठीक है कि मुझे कौन से शूज़ ख़रीदने चाहिए फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे शूज़ हैं बकल शूज़ बो शूज़ प्र टी पॉइंटी टो शूज़ स्ट्रैपी स्नैपी लो शूज़ लेट्स हैव सम टू ट्राई फिर वो कहते हैं कि चलो हम इसमें से कुछ आज़माते हैं मतलब ट्राई करते हैं पहन कर देखते हैं कि कौन सा सूट करता है कौन से शूज़ अच्छे हैं ठीक है चलें मेरा ख़्याल है यहाँ पर ये टू स्टैंड इतने काफ़ी हैं आज के लिए अगली वीडियो में हम इन ये दो स्टैंड भी कर लेंगे आप मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपकी प्रोनंसिएशन आपको इस इसकी प्रोनंसिएशन क्लियर हो जाए unit 6 comprehension choosing shoes new shoes new shoes red and pink and blue shoes tell me what would you choose if i could only buy buckle shoes bow shoes pretty pointy toe shoes strappy snappy low shoes let's have some to try okay इधर देखें ये बाय और ट्राई राइमिंग वर्ड्स है सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर शूज शूज़ शूज़ शूज शूज़ शूज़ ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं शूज एंड चूज और यहाँ पर बाय एंड ट्राई राइमिंग वर्ड मतलब सेम आवाज़ निकाल रहे हैं ठीक है डियर तो फिर आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें होप यू ऑल हैव इन्जॉयट एंड अंडरस्टूड वेरी वेल Now, thank you.